संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। 13 सितंबर 2013 की ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनावों के लिए बीजेपी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया था। बहुत बड़ा फैसला लिया था बीजेपी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मोदी पीएम इन वेटिंग हो गए। सुनिए जरा, पीएम उम्मीदवार घोषित होने पर मोदी ने देश से तब क्या वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। 2014 में देश भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सुराज्य के लिए, विकास के लिए पूरा समर्थन करेगा। फिर हुआ 2014 का लोकसभा चुनाव। 16 मई को बंपर बहुमत से देश ने मोदी को चुना और मोदी के हाथ में 26 मई 2014 को देश की बागडोर चली गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 से 26 मई 2022 के बीच देश में बहुत कुछ बदला सिवाय देश के प्रधानमंत्री के। 8 साल से मोदी के मजबूत हाथ में मजबूत देश की पकड़ है। पक्ष विपक्ष के हिसाब से मोदी के 8 साल के काम का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि मोदी ने जो सोचा वही किया और वही सबको स्वीकारना पड़ा। 8 साल में पीएम रहते हुए मोदी ने देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक व्यवस्थाएं बनाने और बदलने के लिए कई बड़े फैसले किए। हमने लिस्ट बनाई है 8 साल में लिए गए 8 साहसिक फैसलों की जिससे देश बदला। फैसले किसी के लिए अच्छे रहे, किसी के लिए बुरे रहे, लेकिन जो लकीर मोदी ने खींची उस पर सबको चलना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मोदी की घोषणा से पहले कभी किसी को भनक नहीं लगी कि क्या होने वाला है। नोटबंदी ऐसा ही एक फैसला था। नोटबंदी पूरे देश के लिए हैरान करने वाला फैसला था। नोटबंदी का रातों रात 500 और हजार के नोट कागज के टुकड़े बनकर रह गए। काला धन खत्म करने के लिए मोदी ने नोटबंदी की। पैसे निकालने के लिए महीनों पूरा देश बैंक एटीएम की लाइनों में खड़ा रहा। नोटबंदी के बाद नए नोट बाजार में आए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मजबूत हुआ। हालांकि अभी तक ये बहस बनी हुई है कि नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ या नहीं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान का आतंक देश का पुराना नासूर है। उरी में सेना के कैंप पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था। मोदी चुप नहीं रहे, ना भारत में ना पाकिस्तान में किसी को भनक नहीं हुई और वायुसेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप तबाह करके बदला पूरा किया। जीएसटी देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक टैक्स की नीति ने अलग अलग टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया। सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए वैट जिंदा रखा गया। जीएसटी ने कैश आधारित व्यापार मॉडल में सेंध लगाई। हर सामान की वैल्यू के हिसाब से जीएसटी दरें तय हुई। कार के लिए अलग जीएसटी तो दाल नमक के लिए अलग। 3 तलाक का खात्मा।
मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी के लिए नासूर था तीन तलाक। शौहर की मर्जी पर झूल रही थी मुस्लिम पत्नियां। मुंह से सिर्फ तीन बार तलाक 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 बोलो और शादी खत्म। मोदी ने एक कानून बनाकर सदियों से चली आ रही बीमारी को मिटा दिया। जम्मू कश्मीर से 370 खत। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए नई सुबह दी। बरसों से आतंक झेल रहे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया। अब कश्मीर में वही कानून है जो हरियाणा, पंजाब या बिहार में है। धर्म के नाम पर खदेड़े गए कश्मीरी पंडितों को फिर से उनकी जमीन पर बसाने का प्लान बन रहा है। नागरिकों की जिंदगी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन राजनीति करने वालों का खेल खत्म हो गया। ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक पर पढ़ा जाएगा। राम मंदिर। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का केस 50 सालों से चल रहा था। बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से ही सत्ता तक पहुंची। राम मंदिर का फैसला निकला तो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हुआ ये मोदी के कार्यकाल में। राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है और भूमि पूजन का सौभाग्य उनको ही मिला। लॉकडाउन 2019 से देश कोरोना संकट की चपेट में आ गया था। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आए। कोई दवा नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी। सबको सुरक्षित करने के लिए मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया। पूरा देश अपने अपने घरों में कैद हो गया। लॉकडाउन के कारण देश को कितनी राहत मिली, कितनी आफत, आज तक इस पर बहस हो रही है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कृषि कानून वापस। पीएम मोदी खेती के तरीके और किसानों की जिंदगी में बदलाव चाहती थी, इसीलिए 3 कृषि कानून संसद से पास कराए, लेकिन उनको कदम पीछे खींचने पड़े। साल भर तक किसानों के आंदोलन के कारण पीएम मोदी ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मोदी यही नहीं रुके, मौजूदा कार्यकाल 2024 तक तो है ही। सबको चौंकाने वाले और साहसिक फैसलों से कभी ना डरने वाले मोदी अगले 2 साल में क्या क्या फैसले लेंगे, ये पीएम मोदी के अलावा कोई और नहीं जानता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।